हेलो दोस्तों, रसोई के रंग भावना के संग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाएंगे पालक के पकोड़े। उसके लिए हमें चाहिए बेसन। बेसन के अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वादानुसार, चुटकी भर बेकिंग सोडा, कुकिंग सोडा भी बोलते हैं उसको, खार भी बोलते हैं। थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, फ्रेश पालक डालेंगे, प्याज, फ्रेश चॉप किया हुआ धनिया, मिर्ची, वन टेबल स्पून जितना ऑयल डालेंगे, फिर सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले हमें थोड़ा उसको मिक्स कर लेना है क्योंकि पालक पानी छोड़ता है। इसके बाद धीरे धीरे से पानी ऐड करेंगे हम। इसको मिक्स करके हम अच्छा सा बैटर बना लेंगे। अभी साइड में हमने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें पकोड़े फ्राई कर लेंगे। ऑयल को हमें मीडियम फ्लेम में ही रखना है। पकोड़े हमारे तैयार हो गए हैं, फ्राई हो गए हैं। इसको हम निकाल लेंगे। अब हम इसको सर्व करेंगे। पकोड़े के साथ हम हरी मिर्ची, प्याज और टोमेटो सॉस या कोई भी चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।